हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, हम लोग डिग्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं और डिग्री चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को हमने देखा। वर्ड के फॉर्मेशन को देखा कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में फिर सुपरलेटिव में बदलते हैं। बहुत सारे उसके जो रूल्स थे, सारे रूल्स को हमने डील किया। आज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर चर्चा करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बने होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के जो स्ट्रक्चर होते हैं और उसका उस स्ट्रक्चर पे जो सेंटेंसेस बने होते हैं वो कैसे बनते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। आज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डिग्री चाहे पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो, सभी के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जब हम लोग डिग्री कंपैरिजन करें, डिग्री को एक दूसरे से चेंज करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। उसके लिए आप सारे वीडियोज़ को देख डालो जो डिग्री पे बने हुए हैं। डिग्री से रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोज़ बने हैं, जैसे इसमें नंबर का भी प्रयोग होता है तो आप नंबर पे भी वीडियो बना है, उस वीडियो को देखें। जितने वीडियोस बने आप सारी वीडियोस को देख लो। चलिए आज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का जो पॉइंट है इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, एक छोटा सा रूल है जिसपे सुपरलेटिव डिग्री के जो सेंटेंस बनते हैं। बस होता क्या है कि वो इसका फॉर्मेशन को देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशानी या समस्या आ जाती है कि इसका मतलब क्या होगा और ये किस तरह से प्रयोग हुआ है। इसको हम लोग आज डील करने वाले हैं बेहतर ढंग से। छोटे छोटे पॉइंट को एकदम क्लियर करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम्स में कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। आप फुल मार्क्स लोगे एग्ज़ाम में। वीडियो को पूरा देखना। यहाँ आप बाय का प्रयोग कर दो, यहाँ आप डेल का भी प्रयोग कर दो। बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर को देखो और सेंटेंसेस जो बने हैं उसको देखो। बिल्कुल इस पर बैठ जाता है। देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, भाव भाव, द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। अब यहाँ SD यानी सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री SD वर्ड को आप समझो, सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड यानी सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड का प्रयोग द के बाद करना है। तो देखो कैसे सेंटेंस में प्रयोग हुआ है, यू आर द
फिर सुपरलेटिव मिल के बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इधर और भी वर्ड्स आ सकते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास। भाव क्या आएगा? सर्वोत्तम या उत्तम। यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आप क्लास में सबसे उत्तम हो, आप क्लास में सर्वोत्तम हो, सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छा। ठीक है। सी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। वह क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की है, वह क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की है। सी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। कोहली इज द बेस्ट प्लेयर इन टीम। कोहली सबसे यानी सर्वोत्तम खिलाड़ी है टीम में। तो कैसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ है इस स्ट्रक्चर पे, आप स्ट्रक्चर को देखो फिर सेंटेंस को देखो, आपको कहीं कोई परेशानी या डाउट नहीं होने जा रहा है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे, और इस स्ट्रक्चर पे आप सेंटेंसेस को बनाओ, स्ट्रक्चर को देखो और काफ़ी सेंटेंसेस को 10-20-50 सेंटेंसेस को बना दो। चूँकि आगे जब हम लोग डिग्री चेंज करेंगे, डिग्री चेंज करने के जो तरीके हैं उसको सीखेंगे, तो वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो और भी सेंटेंसेस को इसमें बनाओ, देखो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस पे सेंटेंसेस को बनाना और वो स्ट्रक्चर पे, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को बनाना, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखना मैंने स्ट्रक्चर को लिखा है, ऐसे वैसे सेंटेंसेस जो इस स्ट्रक्चर पे बने होते हैं उसका भाव सेंटेंस में आता है। मैं से एक, मैं से एक, ये कैसे बोल रहे होंगे सर, कैसे बोल रहे हैं मैं से एक। तो सेंटेंसेस को हम लोग लिखेंगे और उसका मीनिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं से एक या इस स्ट्रक्चर पे जो सेंटेंसेस होते हैं उसका मीनिंग क्या होगा वो हम लोग को समझ में आ जाएगी। चलिए कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं इसमें। यहाँ आप देना, इसके बाद नंबर जो होगा वो प्लूरल नंबर होगा। ठीक है, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। आप स्ट्रक्चर को देखो और सेंटेंसेस को देखो, सारे सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं। आप इस स्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, जिसका जो स्ट्रक्चर है उस पर आप सेंटेंसेस को बनाओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, भाव, भाव, वन ऑफ द का प्रयोग किया। उसके बाद एस डी वर्ड यानी सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड होते हैं
वो यहाँ लिखना होगा, जैसे क्या है बेस्ट। उसके बाद जो देंगे वो प्लूरल नंबर होगा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, देखो प्लूरल नंबर है इन द क्लास। आगे देखो, आगे देखो अगला सेंटेंस में जो लिखा है सी इज, अब देखो वन ऑफ द लगाया, अब देखना सुपरलेटिव, अब ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं, यानी ब्यूटीफुल के आगे हम लोग मोस्ट का प्रयोग करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ये कैसे बनता है, इसके सारे पॉइंट्स को आप जानो सीखो, पिछले वीडियोस को देखो जो डिग्री बने हुए हैं पार्ट वन, उसके सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट टू थ्री फोर और फिर आगे बढ़ते रहेगा। सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, देखो ये प्लूरल नंबर है इन द क्लास। तो समझेंगे मतलब, मीनिंग भी समझ लेना इसका बहुत जरूरी होगा कि स्ट्रक्चर के जो सेंटेंसेस बने हुए इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि आगे हम लोग डिग्री चेंज करने वाले हैं, डिग्री से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस को एक दूसरे डिग्री में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, सारे डिग्रीज को हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको समझ लो, मैं से एक, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, आप सभी लड़कों में से अच्छी। सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, सॉरी सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास। सीता जो है क्लास की, या सीता क्लास में से सबसे खूबसूरत लड़की है, सीता क्लास में से सबसे खूबसूरत लड़की है, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं सीता क्लास में सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत है। यू आर वन ऑफ बेस्ट बॉयज इन द क्लास, आप क्लास में से सभी लड़कों में से सबसे अच्छे हो। तो काफ़ी सारे आपको स्ट्रक्चर बताया हर एक डिग्री के, पॉजिटिव के, कंपैरेटिव के एंड सुपरलेटिव डिग्रीज के, सारे स्ट्रक्चर को समझो, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और डिग्री कंपैरिजन का जो डर मन में बैठा रहता है एग्जाम्स में, सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो तो कभी नहीं होगा। डिग्री को देखते रहो, डिग्री के सारे पॉइंट्स को, डिग्री के सारे सीरीज को, डिग्री के सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने डील किया है उसको विस्तार से समझो, शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने टीचर से शेयर करो, एग्ज़ाम में जो डिग्री का भय है, डर है, वो बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा। देखते रहो।